अधर्मा अगर कैटल आया तो आपकी बारी, अगर वन धर्म आया तो मेरी बारी। ये क्या है बाघ मरवा? इसको कहते हैं टॉस। ठीक है मरवा, चलो अधर्मा अब टॉस करके देखते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। ओ ओ हां हां हां, ये मैं बॉलिंग करूंगी और आप बैटिंग। ठीक है मरवा, मैं बैटिंग करूंगा। ओके अधर्मा आ जाओ भैया। देख रहा मैं स्पेशल बैट है, मैं जीतूंगा। ये लो अधर्मान। अब देखना अधर्मान मार। तो अरे आज ये शैतान के आने से पहले पार्क में पहुंच गए। अच्छा इसका मतलब आज शैतान लेट हो गया, लेकिन इतना भी लेट नहीं हुआ। कल का बदला मैंने आज इन दोनों से लेके रहना है। क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ ऐसा प्लान करना पड़ेगा कि आज इनको बहुत डांट पड़े। अब ये वाली खेलेगा तो दिखाओ ना। कुछ सोचना पड़ेगा, इधर छुप के प्लान करती हूँ। कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि मैं नुकसान करूं और नाम इन बच्चों का है। इसका एक ही तरीका है, ये क्रिकेट खेल रहे हैं और शैतान का काम है किसी की खिड़की का शीशा तोड़ना। जब शीशा टूटेगा तो ऑटोमेटिकली इल्जाम इन बच्चों पे आएगा, क्योंकि इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट ही हो सकती है। पत्थर ढूंढना पड़ेगा। मिल गया, इतने बड़े पत्थर से किसी के जब घर का शीशा टूटेगा तो सोचो उसको कितना गुस्सा आएगा। oh, no. और ये गुस्सा शैतान देगा उसको, लेकिन इल्जाम दोनों बच्चों पे लगेगा। मैं इसको फेंकूंगी। बच्चों तैयार हो जाओ। अब मैं छुप के देखती हूँ इससे पहले कि मुझे कोई देख ले। किस चीज की थी मरवा? पता नहीं अब्दुर्रहमान, ऐसा लगा कि किसी का शीशा टूटा है। मुझे भी ऐसा लगा मरवा। कोई बात नहीं अब्दुर्रहमान, आओ हम कुछ और खेल लेते हैं। चलो मरवा कुछ और खेलते हैं। चलो चलते हैं। ये कौन है? ओ ओ। रुको बच्चों, ये तुम लोगों का काम था ना? क्या अंकल? ये क्रिकेट तुम दोनों खेल रहे थे ना यहाँ पर? जी अंकल, हम खेल रहे थे क्रिकेट। इसका मतलब मेरी खिड़की पे बॉल भी तुम दोनों ने मारा है, सारा शीशा तोड़ दिया मेरे घर की खिड़की का। बहुत मजा आया बच्चों, बहुत मजा आया। तुम लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए।
नहीं अंकल, हमने तो नहीं मारा बॉल, हमने कुछ नहीं किया अंकल। जब क्रिकेट तुम दोनों खेल रहे हो तो बॉल भी तुम दोनों ने मारा होगा। मार तो बॉल तो ये है, आपकी खिड़की को कुछ और लगा होगा। और तो यहाँ कोई बच्चा नहीं क्रिकेट खेल रहा, कुछ और नहीं तुम लोगों की बॉल ही लगी है 100%। सच सच बता दो वरना तुम दोनों के साथ बहुत बुरा होगा। अंकल हम सच बोल रहे हैं। सच नहीं झूठ बोल रहे हो तुम दोनों। अब मैं तुम दोनों की कंप्लेंट सिक्योरिटी में भी करूंगा और ये बात तुम दोनों के पेरेंट्स तक जाएगी, फिर पता चलेगा कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। सॉरी अंकल, सॉरी अंकल। कोई सॉरी एक्सेप्ट नहीं करूंगा मैं, अब ये बात सीधा तुम्हारे पेरेंट्स तक जाएगी। अभी जाके मैं कंप्लेन करता हूँ तुम दोनों की। अब्दुल रहमान हमने तो कुछ भी नहीं किया। जी मरो आप सही कह रही हो। फिर अंकल ने क्यों डांटा हमें? हमारी बॉल तो यही थी। पता नहीं अंकल की खिड़की किसने तोड़ी है। अब भाएगा मजा, मैंने इनके लिए बहुत बड़ा प्लान किया था। डांट भी पड़ेगी इस तरह की वजह से। मरवा था। Hi friends, this is Sahresh and this is Lukman from Dubai. अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जरूर बताएं। And don't forget to like, share and subscribe to our channel. Take care, much love, Allah Hafiz. Bye.